बात समझाया। ध्रुव बोले बस मारे ने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा, जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। जाने दे मैया, नन्ने नन्ने हाथों से ध्रुव ने मैया के चरण स्पर्श किए। माँ हाय बेटा कह करके जमीन पे गिर पड़ी। ध्रुव जब चले तो राजा को पता चला कि मेरा बेटा बन के लिए जा रहा है। इशारा किया, जाओ मेरे बच्चे से कह देना कि वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। ध्रुव बोली, बारे भगवान अबे तो गली पार ना कर पाए, तुम्हारे नाम से इतना खौफ है लोगों में। फिर कहा लौट जाओ, मैं नहीं लौटने वाला। तो राजा बोले, जाओ कह देना मेरे बेटे से कि आज से उसकी माँ महलों में रहेगी। ध्रुव को पता चला तो ध्रुव बोले, बस बहुत हुआ, मैं नहीं लौटने वाला। जिसके नाम से लोग इतना डरते हैं, उसके दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। एक भी बात नहीं मानी, चले ध्रुव। बढ़ते जा रहे रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंट हो गए। नारद बोले, हे लड़के कहाँ जाता है? अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले, काहे को चिल्ला रहे हो? कहाँ जा रहा है? बोले, भगवान का भजन करने। और ध्रुव ने जवाब दो, महाराज काहे धमकाई रे बाबा। लगता है सुनीति का बेटा है, उन्हें सही समझे। अच्छा गुरु कर लिए गुरु? ध्रुव बोले, गुरु कौन सा पेड़ पोगत हुआ? बोले, गुरु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु ही न भवन भीतर है न कोई, और चाहे विरंच शंकर समा। लेकिन आज के जमाने में
गले ने में गुरुआ डोले और हमें गुरु कर ले और स्वर्ग जाओ से नरक में हमें रुपया। लोभी गुरु लालची चेला और होय नरक में फेलम। गुरु आपको सतगुरु तक पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है। तो बोले अब हम गुरु का ढूंढे काम करो, आप ही गुरु बन जाओ। तो बाबा नारद ने द्वादश मंत्र दिया, दो और दस बारह अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा है जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़ रहे सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे कि छोटा सा भजन। कहाँ गए भैया? सिरा दे गाँव तो गाय रही।